तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप? स्वागत है एक और नए मेरे व्लॉग में। आज मैं घुमाने वाला हूँ अपने गांव का गंगा जी का मंदिर, जो है सुल्तान केशवर महाराज टेंपल। तो आज के दिन गंगा जी में मूर्ति विसर्जन है, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे व्लॉग बनाने। और देख सकते हैं यहाँ से इस रथ पर एक बाबा भी बैठ कर आए हैं गंगा जी। अभी इस रथ पर जाएंगे भी वो बैठ कर, तो अभी आगे दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। तो देख सकती है मंदिर का रास्ता, और सामने गेट है मंदिर का, और एक ये घाट, ये दूसरा रास्ता घाट की तरफ है जो नीचे की तरफ से जाता है, और ये एकदम मंदिर में जाता है ये रास्ता। तो ये घाट वाला रास्ता और ये मंदिर वाला रास्ता। और यहाँ पे देख सकते हैं फूल है, और कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार है, और ये सामने महादेव का मंदिर है, और ये पूरा पार्किंग का रास्ता है। तो देख सकते हैं साइड में शिव जी का मंदिर है, यही काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है, और नीचे गंगा जी का रास्ता। और ये देख सकते हैं पूरा फूल माला बिक रहा है, कितना अच्छा व्यू आप देख सकते हैं आ रहा है यहाँ का भी। और ये जो आप सामने तो देख सकते हैं, आज कार्तिक नहान है तो इसलिए इतना भीड़ है। और ये सामने दुर्गा माँ का टेम्पल है, हम अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ गंगा जी का व्यू दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं इसी गाड़ी से पूरी मूर्ति लद के आई है, जो विसर्जन होगी आज गंगा जी के बीच में। दिखा देते हैं आपको, वो भी दिखी सामने है, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और इस साइड में छोटे छोटे और मंदिर, एक राम जी का मंदिर है, और यहाँ भी छोटे छोटे भगवान के टेम्पल से, और शिव जी का देख सकते हैं अंदर एक और टेम्पल है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, हर जगह उनकी मूर्तियाँ बैठाई गई है। और ये माधवपुर गांव में स्थित है, जो कि वाराणसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आप देख सकते हैं सामने बजरंगबली का एक और टेम्पल है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, और उसके अंदर शिव जी का भी वास है, तो अभी हम उसमें भी जाएंगे। देख सकते हैं थोड़ा मेरा कैमरा सेक कर रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं अंदर बजरंग बली की मूर्ति है, जो और शिव जी का शिवलिंग बैठाया गया है। देख सकते हैं गंगा जी है, और यहीं से गंगा जी उत्तर वाहिनी होकर काशी जाती है। देख सकते हैं जो रथ पे बाबा आए थे यहाँ सामने हैं, देख सकते हैं जूम करके दिखा सकते हैं आपको। और ऊपर का देख सकते हैं कितना व्यू अच्छा आ रहा है, गंगा जी हवा पूरा चल रहा है, गंगा जी बह रहा है। और उसी नाव में देखिए बैठ के सभी लोग जाएंगे बीच में। क्या कितना घर में पड़ती है, देवा क्या देवा चला गया भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी मुंडी रोड और नाव से एकदम बीच में जाएंगे मिलकर। कितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ पर, सब बीच में जाके मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। नाव को भी ढकेला जा रहा है, देख सकते हैं कितने भार हो चुका है, इसको सब मिलकर ढकेल रहे हैं। तो देख
के दोस्तों मूर्ति ये लोग बहाने जा रहे हैं, देख सकते हैं हाथ में मूर्ति उठा ली है और इन्होंने बहा दिया मूर्ति को। कितना अच्छा व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। छः